नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब भाई बहनों का सुधांशु पटेल के ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल की सच्ची खबर में। आज शाम की खबर आप सब भाई बहन देखने जा रहे हैं। वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर भी कर देना। काफ़ी बढ़िया जानकारी आज हम लेकर के आए हैं। यहाँ पर जो 62 वर्ष की आंगनबाड़ी है वो रिटायर ना हो, इसके लिए भी यूनियन ने आवाज़ लगाई है। उसके बारे में हम आपको दिखाएंगे। मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा गया है और उसमें क्या लिख करके भेजा गया, लेकिन उससे पहले आप देखिए कुछ बहनों की समस्या। सबसे पहले बहन एक हमारी कहना चाहती है, भैया ज़्यादा फोटो नहीं भेजी, आपका फ़ोन हैंग हो जाएगा। और अब कुर्सी वगैरह आई हैं, एक केंद्र पर 4 कुर्सी दे रहे हैं और मिनी केंद्र के लिए 3 कुर्सियां, अब 500 रुपए मांग रहे हैं। आप देखिए सुपरवाइजरों की धांधली, कैसे कुर्सी देकर के 500 रुपए ये अवैध वसूली कर रहे हैं। तो ऐसे में काफी जगह से, चाहे वो पोषाहार का पैसा हो, चाहे और कोई भी XYZ सामान आप आंगनबाड़ी वर्करों के केंद्रों पर उनके लिए आता है, बच्चों की सुविधा के लिए और आंगनबाड़ी की सुविधा के लिए, तो उन सब में हिस्सा कैसे मांगा जाता है? चाहे वो वॉल पेंटिंग का पैसा हो, चाहे अन्य सामान, छोटे छोटे उपकरण जो आंगनबाड़ी पर खरीदने के लिए आते हैं, उन सब में भी अधिकारी जो है बाल विकास के भ्रष्टाचारी में लिप्त हैं और वो पैसा उनसे मांगते हैं। यहां पर बताना चाहेंगे, कोरोना वायरस रोकने को चला जागरूकता अभियान, आप देख सकते हो ये आपका फुल्ली डूमर वगैरह बांका में पड़ता है, वहां से एक खबर छपी, इसको देखिए। उसके बाद हम कुछ 3 सरकारी आदेश भी आपको दिखाएंगे और 62 वर्ष की जो आंगनबाड़ी वर्कर है वो रिटायर ना हो, इसके लिए यूनियन का प्रयास भी दिखाएंगे। लिखा है फुल्ली डूमर ICDS की CDPO मीना कुमारी ने प्रखंड के कैथा पंचायत अंतर्गत जगतपुर आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 37 के क्षेत्र के जो लिखा हुआ है, विभिन्न जो है गांवों में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान CDPO ने घर घर जाकर लोगों से इस महामारी से बचाव के लिए सबों का जो है यहां पर लिखा है मास्क वगैरह लगाने तथा खासकर महिलाओं को इसके विकल्प के तौर पर अपनी साड़ी की जो है साफ आंचल वगैरह को हमेशा मुंह पर ढकने और पड़ोस तथा घर में ही जो है रहकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, भोजन में विटामिन का उपयोग करने, बार बार साबुन से हाथ धोने, गर्म गुनगुना पानी पीने आदि की जानकारी दी गई। तो आप सब भी गर्म पानी वगैरह पिए, आपके स्वास्थ्य को जो है बेहतर बनाएगा। गर्म पानी के बहुत ज्यादा फायदे हैं। आगे लिखा गया है सांस से संबंधित किसी भी तरह की परेशानी होगी तो उससे भी आपको निजात मिलेगी। इलाज वगैरह भी आप लोगों को जो है इसके लिए बार बार भागना नहीं पड़ेगा। और अभी आप सब जानते हो कि इसका अभी टीका नहीं बना है, अभी इसी तरीके के जो सिंपल इलाज वगैरह चल रहे हैं। अब आगे ले चलते हैं अगले मैसेज की तरफ। यहां पर आपको हम एक और मैसेज दिखाना चाहेंगे, सरकारी आदेश कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी एटा की तरफ से। तो उत्तर प्रदेश का एटा जनपद, वहां से यह लेटर जारी है समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों के लिए। और यहां पर सरकार कह रही है, अभी तो आपने आरोग्य सेतु ऐप देखा, अब यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयुष कवच जो है वो जारी किया गया है, एक मोबाइल ऐप है। इसके बारे में बताया जा रहा है, लोगों को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने से जुड़े तथ्यों को उपलब्ध कराने के साथ ही विभिन्न अपडेट एवं महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराता। तो ये भी एप्लीकेशन एक मैदान में आ चुकी है, एंड्रॉयड भी है और IOS वर्जन वाला भी है। तो ऐसे में आपको बताना चाहेंगे प्लेटफॉर्म पर ये दोनों पर उपलब्ध है। जन स्वास्थ्य की दृष्टि से जो है उक्त जो आपका महत्वपूर्ण ऐप को डाउनलोड कर इसका उपयोग किया जाना है, के लिए आप देख सकते हो आदेश आया अधिकारियों के लिए। अब हो सकता है आरोग्य सेतु के बाद अब आपका ये आयुष कवच ऐप भी डाउनलोड करवाने के लिए कहा जाए, लेकिन अभी दिमाग में रखिए, अभी आप करना स्टार्ट मत कर देना, जब आदेश आए तभी करना, तब तक के लिए आप शांत बैठिए सभी जगह की बहनें। आगे बता दें, यहां पर देख सकते हो कि ये लेटर आंगनबाड़ी के लिए स्पेशल नहीं आया, जब स्पेशल आंगनबाड़ी बहनों के लिए आ जाएगा तो मैं बता दूंगा, अभी जानकारी अपने अंदर बनाकर रखिए। मुरैना मध्य प्रदेश से ये लेटर निकला था, आपको बता दें 3 तारीख को, ऐसे में ये लेटर मैं पहले दिखा चुका हूं। ये एक आप लोगों की प्रतियोगिता जो मध्य प्रदेश में होने जा रही थी, राज्य बाल श्री कला प्रतियोगिता, ऐसे में आंगनबाड़ी के जो बच्चे हैं उनको भी 5 से 10 वर्ष के अंतर्गत वो आ जाएंगे। तो इसमें जो है 6 वर्ष तक आंगनबाड़ी में होते हैं ना, तो उन सबका भी यहां पर फॉर्म ऑनलाइन के लिए बोला गया था। तो ऐसे में आपके जवाहर बाल जो है भवन की वेबसाइट है www.jawaharbal करके ऐसे, तो इस वेबसाइट आंगनबाड़ी तक खुद ही विभागीय अधिकारी भेजेंगे और आप लोगों को इस पर पंजीयन करने। इसके बारे में बहन पूछना चाहती थी कैसे करें क्या करें, तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है और कोई बहुत बड़ा जो है लाभार्थी को लाभ नहीं मिलने वाला। यहां पर जो कला संगीत कहानी इन सब चीजों में जो है अपनी खास भूमिका अदा करना चाहेगा कोई, किसी को इसमें ज्यादा दिलचस्पी है, बच्चे को तो होनहार है, तो वो अपना फॉर्म भरेगा। आगे बताना, जबरदस्ती नहीं भरना है किसी का, यह भी याद रखना। आगे हमारे पास एक लेटर लगा, लेकिन इस लेटर में कुछ साफ नहीं दिख रहा, इसलिए मैं पढ़ नहीं सकता। लिखा सुधांशु भैया नमस्ते, मैं यूट्यूब पर आगे पता नहीं क्या लिखा है, वीडियो देखती हूं, मुझे आपकी जो है बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए कह रहा हूं, यहां पर साफ नहीं लिखा और फोटो भी साफ नहीं।
नहीं है। तो ऐसे में बहन अगली बार जब भेजें तो साफ साफ लिख करके थोड़ा दूर दूर भेजें ताकि पढ़ने में आसानी हो जाए और समझ में आ जाए, क्योंकि इसमें लिखा कुछ और होगा और मैं उसका अर्थ कहीं कुछ और मुँह से निकल जाएगा। आगे देख सकते हो ये हमारे पास अब मेन मैसेज लगा है, आंगनबाड़ी बहनों जो 62 वर्ष की आप हो चुकी हो तो आप लोगों को रिटायर करने के लिए सरकार ने निदेशालय से आदेश भी निकाल दिया था, अब उस आदेश को निरस्त किया जाए इसी की मांग महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ जो आपका उन्होंने उठाई है। जिला अध्यक्ष आपके यहाँ पर कुछ ये पहली बात आ गया, संतोष जी हैं जनपद मेरठ की तरफ से, उन्होंने ये लेटर टाइप करके भेजा है, 13/6 का लेटर है माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश के लिए है और इसमें लिख करके भी उन्होंने दिया है कि जारी जो शासनादेश है 2012 का जो हमने ऑल इंडिया पर पहले आपको दिखा रखा है और लिखा है शासनादेश को निरस्त कर आंगनबाड़ी भर्ती की नई नियमावली बनाने की मांग के समर्थन में और जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा कोरोना वायरस रोकथाम में लगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिकाओं को जबरन रिटायर करने के विरोध में यह ज्ञापन गया है। इसमें यह सब कुछ लिखा है कि जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, मालूम चला है कि दिनांक 4/9/2012 के जो विवादित शासनादेश को ज्यों का त्यों लागू करने का आदेश जारी किया जा रहा है और मामला लखनऊ में रिट याचिका भी पड़ी हुई है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश माननीय हाई कोर्ट के विचाराधीन है और इसका जो है नोटिस दिया जा रहा है। सामाजिक जो आपका सेवा भाव से प्रचुर अनुभव को रखने वाली कार्यकर्तियों को 62 साल की उम्र में बिना पेंशन और सामाजिक सुरक्षा के उपाय के रिटायर नहीं किया जा सकता, बल्कि इनकी मेडिकल फिटनेस के आधार पर इनकी सेवाएं देश समाज और विभाग के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। तो जब तक बहन अपनी फिटनेस उनकी ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट उनका ठीक कहता है, तब तक बहन नौकरी करेंगी, इसके लिए मांग की गई है। आगे लिखा है अधिकारियों को ऐसे कृत्य से वर्तमान योगी सरकार के प्रति गहरी नाराजगी बढ़ रही है, समाजवादी पार्टी की सरकार जो शासनादेश लागू नहीं कर पाई, यह आदेश माननीय हाई कोर्ट के हरी झंडी के बिना अब लागू किया जा रहा। तो इस आदेश को मेरे पास भेजा गया है 13 तारीख और यह डेट भी डाल करके भेजी गई 13 जून, लेकिन मुझे लगता है यह लेटर मैंने पहले भी पढ़ा है, यही शब्द मेरे जब मैंने पढ़े तो मुझे गौर हुआ है, पिछली बार भी अभी कुछ दिन पहले एक बार और यही लेटर टाइप करके सरकार को जा चुका है, अब 13 तारीख को फिर से भेजा गया। बहुत अच्छी बात है, ऐसे प्रयास करते रहिए, आज नहीं तो कल कभी ना कभी इन लेटरों पर गौर तो होगा ही। फिलहाल के लिए आप लोगों को आज का यह छोटा सा वीडियो कैसा लगा, पसंद आया है तो आप सब भाई बहन लाइक करिए और शेयर करिए, हम चाहते हैं कि आंगनबाड़ी बहनों की समस्याएं उठें और उनमें आप सबका सहयोग पूरा चाहिए, वीडियो को शेयर कर आवाज उठाने में और बहनों को जागरूक करने में, सबसे बड़ी जिम्मेदारी जागरूकता की है, यदि बहनें जागरूक हो जाएंगी तो वो अपने अधिकारों को सरकारों से या अपने अधिकारियों से लड़कर के छीन सकती हैं। उनका जो शोषण हो रहा है जगह जगह, कभी पोषाहार का पैसा दो, कभी एमपीआर का पैसा दो, कभी फीडिंग के नाम पर अवैध वसूली, कभी जो है विभागीय अधिकारियों के जो काम होते हैं वो भी आंगनबाड़ी के मत्थे डाल करके करवा लिए जाते हैं, आंगनबाड़ी जो नहीं कर पाती है उनसे कहते हैं आप पैसे दो हम बाहर से करवा देंगे, जो उनका काम नहीं है वो भी उन पर लाद दिया जाता है, किसी को कुछ पता नहीं चलता क्या काम आंगनबाड़ी का है और क्या अधिकारियों का है। तो ऐसे में हम आपको यही समझाना चाहते हैं कि शोषण से बचना है तो आप सब जिम्मेदार बनिए और जागरूक बनिए, लोगों को भी जागरूक करिए, हमारे अकेले का प्रयास नहीं है, आप सबका प्रयास मुझे चाहिए, आप सब लोगों को समझाओ और जागरूक करो, बहनें समझदार हो जाएंगी तो मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा और यही आप लोगों के लिए आगे सफलता का जो दरवाजा है ना वही खोलने के लिए एक कुंजी साबित होंगी, तो आपकी जागरूकता बहुत जरूरी है आगे आवाज उठाने के लिए। आगे मिलते हैं आपको अगली वीडियो में कल सुबह की तमाम बड़ी खबरों के साथ में। और दोस्तों, क्या आप चाहते हो कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों को मोबाइल फ़ोन विभागीय दिया गया उसके बारे में आप पूरी जानकारी देखो, मेरे पास आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के उपयोग के लिए एक मैनुअल टाइप की एक बुक टाइप की है, इसमें 53 लगभग जो है पेज हैं, इसमें पूरी जानकारी लिखी हुई है पूरा, पहले तो यहाँ पर विषय सूची भी है किसमें क्या है और क्या क्या आपको सीखने को इसमें मिल जाएगा, कैसे सब कुछ जो है आप लोगों को इसमें काम करने हैं, कॉम केयर जो एप्लीकेशन है उस पर आप लोगों को कैसे काम करने हैं, अभी मैं आपको सिर्फ एक झलक दिखाना चाहता हूँ पूरी जानकारी क्या होता है फोन के बारे में पूरी जानकारी, उसके बाद काम क्या क्या करना है और कैसे आपको इसको चलाना है इसके बारे में डिटेल से जानकारी है, मैं अभी आपको सिर्फ एक नजर में दिखाना चाहता हूं, उसके बाद आप लोग डिसाइड करिए क्या इस चीज पर मुझे पूरा वीडियो बना लेना चाहिए। ऐसे ही आप लोगों के फोन जो है विभागीय खुल करके आते होंगे और साथ ही आपको बताना चाहेंगे इसमें कुछ और भी आप देख सकते हो, जैसे ये आपका डेमो मोड में प्रवेश करने के लिए, कैसे आप लोगों को जो है इस पर काम करना है, कैसे आप सीखेंगे, डेमो कहां से मिलते हैं और कैसे क्या सब कुछ होता है ये देख लीजिए, वास्तविक उपयोगकर्ता मोड में प्रवेश करने के लिए, तो ऐसे ये सब कुछ होगा और ऐसे ही आप लोगों को सारे जो है खुल खुल करके आएंगे। ये आप देख सकते हो ऐसे किस पर जो है आइकन वगैरह जो बने हुए हैं उनका क्या मतलब होता है और कहां से क्या होगा, फॉर्म कहां से भेजे जाएंगे, ये सारी जानकारी है और कैसे सब कुछ करना है अभी आपको और भी दिखाएंगे, जैसे ये देखते चले जाइए, मेरे पास एक और ग्राफ है, ये
ये आप देख सकते हो। ऐसे ही बहुत लंबी लिस्ट है, इसमें सब कुछ लिखा है, गृह भ्रमण के दौरान कैसे क्या करना है, दैनिक आहार के बारे में, बच्चे वगैरह बाल विकास जो निगरानी है उसके बारे में डिटेल से जानकारी है, और परिवार प्रबंधन के बारे में। आगे देख सकते हो ऐसे ही आपका ड्यू लिस्ट वगैरह भी है, घर ले जाने हेतु राशन THR उसके बारे में आप देख सकते हो। ये सारे कॉलम बने हुए हैं, पूरी जानकारी इसमें डिटेल से है। आप देख सकते हो आंगनबाड़ी केंद्र का प्रबंधन, MPR वगैरह रिपोर्ट को लेकर के भी इसमें पूरी जानकारी भरी हुई है। ऐसे ही आप लोगों को इस पर पूरा काम करना है, और इसके बारे में नई आप नया परिवार कैसे जोड़ें ये भी आप यहाँ पर देख सकते हो। ऐसे ही पूरी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। तो अभी आप लोगों को मैं डेमो आज सिर्फ दिखा रहा हूँ कि इसमें क्या क्या है, क्या ये आप लोगों के काम का है, या बहुत सी बहनों को ये पहले से आता होगा तो ये ठीक रहेगा या नहीं, क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है 53 पेज की। तो इसके लिए वीडियो मेरे ख्याल से जो काफ़ी हो सकते हैं पार्ट वाइज बनाने पड़ेंगे मुझे, लेकिन मैं समझा सकता हूँ कैसे क्या करना है और कैसे कैसे इसका पूरा काम है। ये मेरे पास फाइल लंबी है, ऐसे अगर चैनल पर डालनी हो जाती तो मैं ऐसे ही डाल देता, आप लोग देख लेते, लेकिन 53 पेज हैं, PDF फाइलें जो है चैनल पर आ नहीं सकती, तो समस्या ये एक बड़ी आ रही है। तो ऐसे में और पर्सनल व्हाट्सएप पर एक एक को भेज भी नहीं सकते, तो इससे अच्छा है आप कहें तो सीरीज वाइज जो है मैं यहाँ पर वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूं, और जितने वीडियो हो पाएंगे एक एक करके हर चीज का पूरा वीडियो आ जाएगा। आप देख रहे हो अभी मैं इसको स्लाइड करते ही जा रहा हूं और ये सारी चीजें अभी आ रही है, इसमें पूरी डिटेल से जानकारी है कैसे क्या इसको पूरा करना है। आप पूरा फोन चलाना ही सीख जाएंगे, इतना लंबा ये यहां पर पूरा PDF फाइल है, और मदद जो है आप लोगों को इसमें पूरी मिलेगी। तो आप लोग चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करना।